गेट बंद करो। चलो गेट बंद करो। अच्छा हाथ नहीं पहुंच रहा है। काटा रे लड़का, काटा काटा काटा, नहीं काटो। चश्मा निकालूं? नहीं। चश्मा निकाल रहा हूँ, ये देखो। नहीं पीता ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दाऊ पैरी एकासर अदर नीम। और अभी क्या ही बोल रहा हूँ, और फिलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ सलीम को लेने के लिए। कल रात को उसकी गाड़ी लेके आ गया था, सुबह भी गया था, सलीम को ऑफिस छोड़ा, उसके बाद वापस घर आ गया। और अभी सलीम का ऑफिस ख़त्म हुआ तो उसको लेने जा रहा हूँ, और साथ में हाँ बेटा हारू करो धूप है बाहर, और इतन को अभी लेके जा रहा हूँ बाहर, थोड़ा सा घुमा दूँगा, बहुत कम निकलता है इसलिए। तो अभी जाते हैं, अभी जाते हैं, थोड़ा सा सलीम को लेके आते हैं पहले। चलो इतन, चलो चलो चलो। गेट कौन बंद करेगा? गेट बंद करो, गेट बंद करो इथन, गेट बंद करो। चलो गेट बंद करो। अच्छा हाथ नहीं पहुंच रहा है। अरे ये तो मैं नहीं आता। चलो चलो अंदर चलो, चलो 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 चलो। गाड़ी बहुत गंदी है, दूर रहो, रुको, गर्म है गर्म है। चलो 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 अंदर चलो, अंदर चलो अंदर चलो। गर्म है, चलो मेरे साइड, चलो मेरे साइड आ जाओ। गाड़ी बहुत गर्म हो गया है, बड़ा दिक्कत है। गाड़ी को भी 5 मिनट पहले तो एसी चालू करना पड़ता है, इसके बाद थोड़ा ठंडा होता है। रुको बेटा पहले मैं बैठूंगा, रुको रुको पहले मैं बैठूंगा। तो एक्चुअली गाड़ी ना बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो अभी इसको अपनी गोदी में बैठाया हूँ, और धूप में खड़ी थी ना तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म जाती, बहुत तेज़ धूप है और गर्मी में तो हो ही जाता है ऐसा। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको गोदी में बैठाया हूँ, फिर जब ठंडा हो जाएगा तो बाहर बगल में बैठा लूँगा इसको। बाकी ये बड़ा हो गया, गोदी में भी नहीं आता, नहीं तो पहले छोटा था ना, मतलब गोदी एकदम छोटा था, तो इसको मैं ऐसे ही बैग में, क्या बोलते हैं, सामने बैग में लटका के उसको लेके जाता था, तो अकेले सफ़र कर सकता था। अभी तो गोदी में नहीं आ पा रहा है, तो बहुत धीरे धीरे ड्राइव कर रहा हूँ, और अभी कॉलोनी में हूँ, रास्ता खाली है, इसीलिए ब्लॉक कर रहा हूँ चलाते चलाते। और ये अलग से ड्राइव करता है, इसका ड्राइविंग देखना अभी। इतन गाड़ी चलाओगे? ये लो चलाओ। तो ये 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 बस बस हो गया, पापा चलाएंगे तो। हाँ तो ये बहुत जल्दी ड्राइव सीखने वाला है, और मेरे से ज़्यादा अच्छा ड्राइवर निकलेगा, है ना, मेरे से अच्छा गाड़ी चलाना है, ठीक है। और स्टंट तो इसके शुरू हो गए हैं, बस इसको एक अच्छी मशीन की ज़रूरत है, उसके बाद ये प्रॉपर स्टंटमैन ही हो जाएगा। मैं तो उतने स्टंट कर नहीं पाया, बट इथन वो सारा चीज़ करेगा जो मैं नहीं कर पाया, अच्छे से पढ़ेगा। और पहली प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि अच्छे से पढ़ेगा, बाकी जो मस्ती खोर है वो तो मेरे मतलब जिन में गया ही है, वो तो करता ही है, तो बाकी जो इसके आसपास रहेंगे बहुत परेशान होने वाले हैं। दे 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 और ये इतन परेशान कर रहा है। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं मंगला चौक, और सलीम का वेट कर रहे हैं। क्या है बेटा ये बस है? बस में जाओगे? अच्छा धूप है, बस में धूप लगता है, पता है इतन को। बस में नहीं जाओगे? क्यों, बस में क्या है? धूप है, फिसल पट्टी बना खेला। चलो फिर से करो, तो फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो इतन, फिर से करो, फिर से करो ना। हाँ। कर रहे हो कि नहीं? नहीं। ठीक है मत करो। छाता नहीं है। छाता है? हाँ छाता है। बापू छाता नहीं है। कोई बात नहीं, ले लेंगे बरसात में, ले लेंगे, ठीक है। हाँ। ये बाबा परेशान कर दे रहे। चश्मा निकालू मैं? हाँ? चश्मा निकालू? नहीं। चश्मा निकाल रहा हूँ, ये देखो। नहीं पीता ना। चश्मा निकाल दूंगा मैं? नहीं। हाँ नहीं जाना। चश्मा निकाल दूंगा मैं? हाँ ठीक है, नहीं निकाल रहा हूँ, मत काटो। नहीं निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, देखो। नहीं पीता। निकालने दो ना। नहीं, नहीं। अरे नाक में खुजली लग रहा है यार, नाक में खुजली लग रहा है, नाक में खुजली लग रहा है, छोड़ो 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 छोड़ो। ए काटो नहीं, आ नहीं काटो, नहीं काटो,
नहीं काटो, नहीं काटना बेटा, अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। चश्मा निकाल लेता हूँ। एक्चुअली चश्मा निकालने का एक राज है, वो मेरे को पता चला है। हाँ ठीक है, नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं निकाल रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मॉल नहीं जाएंगे बेटा, धूप है मॉल में, शाम को आएंगे, ठीक है। हाँ बलून भी लेंगे और बाइक भी लेंगे। और नया कार, कौन सा कार लेंगे? नया कार। और यहाँ गाड़ी हम लोग बैठे हुए थे और वहाँ सामने में ना चेकिंग चल रहा है, बाइक्स वगैरह को रोक रहे हैं और चेकिंग चल रहा है। मैंने नोटिस ही नहीं कर रहा था। एक ज़माना था जब मैं भी ऐसे पकड़ाया करता था और चालान पटाता था, बट अभी तो बहुत दिन से कोई पुलिस पकड़ा ही नहीं है मेरे को। मेरे सारे डॉक्यूमेंट मेरे कम्प्लीट है और आप लोगों के भी अगर डॉक्यूमेंट कम्प्लीट नहीं है, डॉक्यूमेंट कम्प्लीट करके घूमना, फिर तो चालान पटाना पड़ेगा। काटा रे लड़का, काटा 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 नहीं काटो। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, चश्मा उतारू फिर मैं तो? सॉरी बोलो, वेरी गुड। ये चश्मा उतारने वाला है, पता है जैसे धूम 1 देखे होंगे आप लोग, तो उसमें सीन नहीं रहता, जैसे एक बच्चा जैसे मारने के लिए चश्मा उतारता है, तो जो चोपड़ा जी हैं, क्या चोपड़ा जी नाम याद नहीं आ रहा, जो दूसरा हीरो रहता है, तो तो वो बोलता है कि नहीं सर चश्मा मत उतारिए करके, तो अभिषेक बच्चन का खौफ रहता है कि यार चश्मा उतारा मतलब मारेगा, ऐसा वाला सीन, तो इसका भी ऐसे ही हो गया। नहीं करो बेटा उसको, ये देखो चश्मा उतार रहा हूँ फिर मैं, ये देखो चश्मा उतार रहा हूँ, चश्मा उतार रहा हूँ, ये देखो उतार लिया मैं, उतार लिया, उतार लिया, उतार रहा हूँ मैं, उतार रहा हूँ, नहीं उतार रहा हूँ, नहीं उतार रहा हूँ, मेरे को मार देता है। तो फिलहाल तो ये एक क्लाइंट का ये एल्बम था, वो मैं लेने आया था और ये ले लिया है और अभी जा रहा हूँ इसको डिलीवर करने के लिए, क्योंकि तो और ये एल्बम का जो हिस्ट्री है, जो ब्लॉग है, वो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पे भी डाल दे रहा हूँ या ऊपर कहीं पे भी आ रहा होगा, तो आप लोग वो ब्लॉग देख सकते हैं। वो प्री वेडिंग कहते ना, तो उनका एल्बम है ये, तो आप लोग देखिए, वो वाला ब्लॉग देखिए, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी लंबा भी था बट मज़ेदार था, आप देखिए उसको। फिलहाल तभी वो एल्बम वगैरह देख के आ गया और साथ में ये मोहित मिला है, तो मोहित को लेकर के आया हूँ और हम लोग आ रहे हैं। ये मोहित मिला क्या? फिलहाल में ये मोहित मिला। हाँ फिलहाल में ये मोहित मिला और कोई नहीं मिला है। अब आदत ही वैसी है बोलने की। हम लोग आए हैं बॉल ऑफ चाइना, चाइना बॉल, सॉरी बॉल ऑफ चाइना एक्चुअली अंबिकापुर में था, तो वही उसी का निकल गया, चाइना बॉल है ना, चाइना बॉल आए हैं। और ये यहाँ रेस्टोरेंट ना पूरे 10-15 साल से यहीं पर है और मैं खुद यहाँ पर करीबन 10 साल के बाद ही आ रहा हूँ, तो देखते हैं, ये तो वैसा का वैसा ही चेंज ही नहीं हुआ है। और आज हम फिर मैकडी आ गए हैं सलीम की बदौलत और तमा बर्गर खा रही है, इतना आइसक्रीम खा रहा है, अच्छा है। घर में खाना नहीं बनता है क्या? ये दोनों ना अपना अपना बर्गर एक्सचेंज कर रहे हैं, बस यही चलता है भाई बहन लोगों का। हाँ हाँ वो पैक करा उसका, मैं एक्चुअली खाया हुआ हूँ अभी, जस्ट मोहित के साथ खाया, अभी खाने का मन नहीं है मेरे को। ये तो भाई आज खाए पड़े हैं, खाए पड़े हैं, ये देखो दोनों भाई बहन। इधर थैंक। और ये BMW लेना है सम्मा? मैं लूँगा। कहाँ चला गया वही? चलो वापस चलो, देखते हैं क्या देखते हैं, छोड़ो इतनी महंगी कार, इतने में तो एक घर बन जाएगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? और फिलहाल तो सुबह हो गई है, सुबह ये व्लॉग बना रहा हूँ, तो मुझे आप लोग से ये बताना तो ये था कि मैं रांची में कहाँ मिलूँ आप लोग से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोकेशन मैंने देखा था बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मिलना सही होगा, क्योंकि रांची में मैं बिल्कुल भी घूमा फिरा नहीं है। तो और पूछना ये था कि आप लोग मुझे बताओ कि रांची में मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ, क्योंकि आप ही लोग जहाँ कम्फर्टेबल रहेंगे वहाँ पर हम मिल सकते हैं। और इस चीज़ का ख्याल रखिए कि वहाँ पे और लोग भी आने वाले हैं, शायद 2-4 लोग तो आ ही जाएंगे, तो कम से कम 4-5 लोग के मिलने वाली जगह रखना, ताकि हम लोग एक साथ मिल सकें, नहीं तो फिर स्पेशली किसी एक से मिलने जाऊँगा तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
तो ऐसा कोई जगह जहाँ टाउन पे ही हो, जहाँ सबके लिए इजी पड़े आके मिलना, तो हम लोग वहाँ पे आके मिल सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए कौन सी जगह सही रहेगी, और बाकी लोग उसी कमेंट पे कमेंट करिएगा जो चीज़ अगर उनको लगता है कि वो जगह सही है, तो आप उसको भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से मेरे को फाइनल करो, क्योंकि कल मैं यहाँ बिलासपुर से निकल रहा हूँ और हम लोग मिलेंगे रांची में 9 तारीख को मिलेंगे। डेट मैं कल के डेट तो कंफर्म है कि हम लोग 9 तारीख को मिलेंगे, बट प्लेस वगैरह आप लोग कंफर्म करिए, तो उसके हिसाब से मैं टाइम भी आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्योंकि मैं भी वेट कर रहा हूँ कब आप लोग से मिलूँ। तो जल्दी से रांची में 4-5 लोग थे जो मुझसे बहुत मिलना चाह रहे हैं, तो 4-5 लोग तो आ ही रहे हैं, तो बाकी लोगों को पता नहीं और कितने लोग हैं, बट मिलते हैं रांची में, आ रहा हूँ। और इस बार ईथन को लेकर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही आ रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा लंबा प्लान है इसीलिए, तो इस बार मैं अकेले आ रहा हूँ। तो जो सिर्फ मुझसे मिलना चाहते हैं तो वही लोग आइएगा, ठीक है। और ईथन को फिर कभी लेके आएंगे, तो जल्दी आइएगा मुझसे मिलने के लिए। देखते हैं कौन है रांची में जो मुझसे मिलना चाहता है, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ, ठीक है। चलो आज का ब्लॉग ये ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ कमेंट करो नीचे कहाँ मिलना है रांची वालों, बाय।